जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी मेरे मित्रगण अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर खुद यूरोपियन यूनियन क्यों ना हो, ये सभी मानते हैं कि भारत वैश्विक राजनीति का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। और खुद अमेरिका ने खुले तौर पे इस बात का ऐलान किया कि रशिया यूक्रेन युद्ध में भी कोई देश यदि इस स्थिति को बदल सकता है तो वो केवल भारत है। भले ही भारत रशिया यूक्रेन युद्ध में खुद इस युद्ध की स्थितियों को बदलने की कोशिश करे या फिर ना करे, लेकिन भारत ने आर्मेनिया के अंदर पूरी तरीके से सिचुएशन को पलट के रख दिया। और भारत ने जिस तरीके से आर्मेनिया के अंदर अपनी मजबूत रणनीति का दम दिखाया, उसके सामने अजरबैजान और तुर्की दोनों की ताकत पूरी तरीके से नाकाम हो गई। जैसे कि 9 नवंबर 2019 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, और इस युद्ध के शुरू होते ही आर्मेनिया भागा भागा फिर रहा था विश्व भर में। आर्मेनिया दुनिया के हर मंच से अजरबैजान के खिलाफ सहायता मांग रहा था, लेकिन हर किसी ने आर्मेनिया की आवाज को अनसुना कर दिया। यहां तक कि दोस्तों, खुद रशिया ने भी शांति समझौता कराने के अलावा आर्मेनिया की और कोई हेल्प नहीं करी। लेकिन दोस्तों, अब भारत ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच की स्थिति को पूरी तरीके से पलट के रख दिया। लेकिन दोस्तों, जब से भारत आर्मेनिया के साथ आकर खड़ा हो गया है, सैन्य तौर पे आर्मेनिया की मदद कर रहा है, सैन्य कार्यवाही को किस तरीके से अंजाम देना है, आर्मेनिया के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है, तब से अब अजरबैजान दुनिया भर के मंचों में भागा भागा फिर रहा है और भारत को लेके दुहाई दे रहा है कि भारत आर्मेनिया के साथ मजबूती से खड़ा है, कृपया करके कोई हमारी मदद करे। और इसीलिए अजरबैजान दुनिया भर के मंचों की धूल छानने में लगा हुआ है। साथ ही अजरबैजान का कहना है कि आर्मेनिया को भारत की तरफ से हथियारों का जखीरा देना उचित बात नहीं है। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान भी इस मामले में कुछ कम नहीं है, वो अजरबैजान के सपोर्ट में खड़ा होता दिखाई दिया और उसने तो हद ही कर दी। और उसका कहना है कि भारत आर्मेनिया को सैन्य सहायता के अलावा मैन पावर की भी सप्लाई कर रहा है। और दोस्तों, हालिया दिनों में ये भी खबर निकल कर आई है कि अजरबैजान की फंडिंग भी अब रुक चुकी है, जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जो आर्मेनिया दुनिया भर के मंचों में भागा भागा फिर रहा था, केवल भारत की एंट्री मात्र से ही भारत ने एक झटके में पूरी स्थितियों को पलट के रख दिया। इस पूरे घटनाक्रम से जो भी छोटी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आएगी, आप सभी मित्रगणों तक जरूर पहुंचा दी जाएगी। बाकी इस पूरे घटनाक्रम में भारत के स्टैंड को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट्स का जरूर बताएं।